गुमला पुलिस ने 30 लाख के मोबाइल चोरी मामले का खुलासा करते हुए साहिबगंज के राजमहल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना में शामिल तीन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। एसपी हरविंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 29 दिसंबर को गुमला मेन रोड स्थित सौम्या कॉम्प्लेक्स के अमित मोबाइल दुकान से 30 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी हुई थी। मामले को लेकर पुलिस की एसआईटी टीम ने साहिबगंज के मुर्गी टोला निवासी आलम शेख और अलीम शेख को गिरफ्तार किया है। चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने 8 लाख रुपए में सभी मोबाइल बांग्लादेश में बेच दिए और पैसे आपस में बांट लिए। गिरफ्तार आलम शेख शातिर अपराधी है, रांची सदर थाना में मामला दर्ज है और उस पर वारंट भी जारी है। 31/12/2023 को जैसे कि आप जानते हैं सौम्या कॉम्प्लेक्स में जो अमित मोबाइल दुकान है वहाँ से 29 दिसंबर को जो है एक काफ़ी बड़ी मोबाइल चोरी की घटना हुई थी, जिसमें लगभग 30 लाख के मोबाइल की चोरी जो है हुई थी, जिसमें गुमला थाना 437-23 जो है दर्ज किया गया था। उसके अनुसंधान एवं उद्भेदन हेतु एक एसआईटी टीम का गठन किया गया था। उस एसआईटी टीम द्वारा अलग अलग एंगल से और तकनीकी अनुसंधान एवं ह्यूमन इंट से जो है इस कांड का उद्भेदन किया गया है और इस कांड में जो संलिप्त व्यक्ति थे उनमें से दो व्यक्ति जो कि जिनका नाम आलम शेख और अलीम शेख है, उन्हें साहिबगंज राजमहल थाना क्षेत्र से जो है गिरफ्तार करके लाया गया है।